हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे विंडोज़ पीसी में प्रिंटर का ड्राइवर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंटर को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। चलो हम गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका जो भी प्रिंटर है उसका मॉडल नंबर यहाँ पर आपको डालना है, HP क्लर लेजर जेड MFP E 78523 ड्राइवर फॉर विंडो 11। इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, HP क्लर लेजर जेट मैनेजमेंट। इसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ऑल सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर। इसके बाद यहाँ पे आपको ड्राइवर स्मार्ट यूनिवर्सल प्रिंट ड्राइवर, इस पर आपको ये फर्स्ट वाला जो ड्राइवर है इसको आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपका जो प्रिंटर का ड्राइवर है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड वाले फोल्डर पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं हमारा जो प्रिंटर का ड्राइवर है वो डाउनलोड हो चुका है। इस पर आपको क्या है, डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है। तो हमें क्या करना है, इसको अनजिप करना है। अनजिप करने के लिए यहाँ पे आपको कोई भी एक फोल्डर या पाथ सेलेक्ट करना है। तो चलो हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, प्रिंटर सेटअप। इस पर आपको क्या है, ओके करना है। जैसे आप ओके करते हैं तो यहाँ से अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद क्या होगा, आपका जो प्रिंटर का सेटअप है वो अनजिप हो जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं प्रिंटर सेटअप। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो हमारी जो रिक्वायर्ड फाइल है वो इसमें सेव हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे आपको विंडो की के साथ आर प्रेस करना है, देन यहाँ पे आपको कंट्रोल टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल टाइप करते हैं, यहाँ पे आपको व्यू ड्राइवर एंड प्रिंटर इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो प्रिंटर एंड स्कैनर इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको एड डिवाइस इस पर आपको क्लिक करना है, फिर थोड़ी देर वेट करना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ऐड मैनुअली, इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे ऐड ए लोकल प्रिंटर और नेटवर्क प्रिंटर इस पर आपको क्लिक करना है। देन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन क्रिएट ए न्यू पोर्ट इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड TCP पोर्ट इस पर आपको क्लिक करना है, देन नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आपको जो प्रिंटर है उसका IP एड्रेस यहाँ पर आपको मैनुअली इंटर करना है, 10.15.168.50। देन यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद हार्ड डिस्क इस पर आपको क्लिक करना है। हमारी जो फाइल थी प्रिंटर सेटअप उस पर आपको एक फाइल सेलेक्ट करनी है। देन यहाँ पे आपको सबसे पहले जो प्रिंटर सेटअप की जो पाथ था फोल्डर था उसको यहाँ पे आपको ब्राउज करना है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं डाउनलोड फोल्डर में हमारे पास ये प्रिंटर सेटअप। यहाँ पर आपको प्रिंटर वन ड्राइव V4 इसको आपको सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आपको ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको ओके करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको HP स्मार्ट यूनिवर्सल प्रिंटिंग इस पर आपको क्लिक करना है। देन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, देन नेक्स्ट करना है, अगेन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इसके बाद आप चेक कर सकते हैं इंस्टॉलिंग प्रिंटर, आपका जो प्रिंटर है वो इंस्टॉल हो रहा है। और इसके बाद यहाँ पे आपको डू नॉट शेयर द प्रिंटर, अगर आप शेयर करना चाहते हो तो सेकंड वाला, नहीं करना चाहते तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन फिनिश, जैसे आप फिनिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं हमारा जो प्रिंटर सेटअप है वो टोटली कन्फिगर हो चुका हमारा जो प्रिंटर। देन यहाँ पर आपको प्रिंटर की सेटिंग ओपन करना है, तो मोर डिवाइस एंड प्रिंटर सेटिंग इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं हमारा जो HP स्मार्ट यूनिवर्सल प्रिंटिंग है उसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट पहले से सेलेक्ट कर रखा है। और इसकी सेटिंग को आप ओपन करना चाहते हैं तो प्रिंटर प्रॉपर्टी इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको प्रेफरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप कलर एंड ब्लैक एंड वाइट जो प्रिंटर है उसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप कलर करना चाहते हैं या ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे पेपर की जो साइज़ है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, लेटर A3 A4 A5 अपने अकॉर्डिंग जो आपको रिक्वायरमेंट है पेपर की साइज़ वो सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको ओके करना है। तो आप चेक कर सकते हैं हमारा जो प्रिंटर है वो टोटली कन्फिगर हो चुका है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।